नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। कला संस्कृति के विविध आयाम, एक सुंदर कलाकार से मुलाकात और बातचीत आपकी संपत्ति पर। आज के गुड इवनिंग इंडिया में, आज के मैगजीन में आपके लिए क्या कुछ खास है आपको बताते चलते हैं। हाल ही में पर्वतीय कला केंद्र ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई है, तो आज दिखाएंगे आपको उससे जुड़ी कुछ झलकियाँ। इसके साथ ही बातचीत करेंगे आपके सपनों के घरौंदे की, बातचीत करेंगे रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट यानी कि रेरा और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स पर, और दिखाएंगे 20वें भारत रंग महोत्सव के कुछ झलकियाँ। पर सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बहुत ही सुंदर कथक नृत्यांगना से, जिन्होंने क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स को युवाओं तक पहुंचाने की बहुत ही सुंदर मुहिम शुरू की है। भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी आप अपने नृत्य की छाप छोड़ चुकी हैं और लखनऊ घराने के शीर्षस्थ गुरु पंडित बिरजू महाराज जी की नातिन हैं, और आज आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कथक की मशहूर नृत्यांगना शिंजिनी कुलकर्णी। शिंजिनी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिंजिनी। मैं एक आप मुरीद कह सकती हैं, फैन कह सकती हैं, मुझे कथक नृत्य बहुत सुंदर लगता है, और जब हम कथक की बात करते हैं तो बिरजू महाराज जी का नाम सबसे पहले आता है। तो क्या आपके लिए बहुत स्वाभाविक और सहज था, क्योंकि आप एक ऐसे परिवार में जन्मी, विरासत में आपको नृत्य मिला? हमारा घर में नृत्य सीखना तो लाजमी है, क्योंकि ऐसी धरोहर है। पर हम पे कभी कोई प्रेशर नहीं था कि आगे जाके नृत्य को ही अपना करियर बनाना है, बल्कि आपको बहुत मज़ा आएगा ये जान के कि मैं तो बिल्कुल भी डांसर बनने की किसी भी सोच में थी ही नहीं। मैं सिविल सर्विसेज करना चाहती थी, आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, और पढ़ाई में काफ़ी तेज़ भी थी, तो ऐसा ही मेरा मूड था। पर कहते हैं ना कि जब घर में ऐसा माहौल हो और हर समय सिर्फ गायन की बात, नृत्य की बात चल रही हो, तो और कुछ कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वापस मन घूम के इसी पर आ जाता है। तो बहुत छोटी रही होंगी जब मतलब आपने शुरुआत की होगी, शायद 8 साल की थी जब मंच पर आई थी? 8 साल की थी जब मैं मंच पर आई, और 3 साल की थी जब हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले उसके कान में गायत्री मंत्र भी ना बोल के पहले कथक के बोलों को उसके कानों में सुनाया जाता है, तो ट्रेनिंग तो उसी दिन से शुरू हो जाती है। कितनी खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है। क्या कभी आपको ऐसा प्रेशर महसूस हुआ कि आगे चल के आपकी तुलना आपके नाना जी से की जाएगी? अरे बाप रे, ये एक ऐसी मुश्किलात है जो हम रोज़ झेलते हैं, और एक तरीके से अपने आप को बहुत ब्लेस्ड भी मानते हैं कि एक ही सेंटेंस में उनके साथ मेरा नाम लिया जाए, क्योंकि वो कथक, हर पर्सन जो आज के दौर में कथक डांसर है, उनके लिए वो भगवान से कम नहीं है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम पे ज़्यादा है, क्योंकि कॉन्स्टेंट कंपैरिजन होता है, पर साथ में ये भी सच है कि उनके जैसा तो कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो हमारी कोशिश है कि अगर एक छोटी छाया भी उनकी हमारे नृत्य में दिख सके लोगों को, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। शिंजिनी, आप इस वक्त बहुत ही सुंदर लग रही हैं साड़ी में, और सोफे पर आप बैठी हैं। हमने आपको बांध के रखा हुआ है, एक डांसर को बांध के रखने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। हमारे पास कुछ झलकियां हैं आपकी मंच पर जब आप परफॉर्म करती हैं, तो क्या हम देख सकते हैं उन झलकियों को? अभी हम थोड़ी देर में कोशिश करेंगे वो झलकियाँ देखें हम। तब तक क्या आप कुछ भाव अभिनय कुछ करके बता सकती हैं? लखनऊ घराने में भाव का बहुत महत्व रहा है, और अभिनय अंग प्रधान नृत्य रहा है हमारा, और खासकर इस वजह से भी कि कई महान संगीतकार और गायक लोग हमारे घर से जुड़े रहे, और मेरे परदादा पंडित शंभू महाराज जी और लक्ष्मी महाराज जी से गाना भी सीखा। बेगम अख्तर जी और पंडित शंभू महाराज जी बहुत अच्छे दोस्त भी थे, तो अभिनय बहुत क्लोजली जुड़ा रहा है जी। सो अभिनय आपको करना बहुत पसंद है जब आप मंच पर परफॉर्म करने आती हैं जी, तो कौन सा भाव, राधा का श्रृंगार भाव पसंद है, या फिर विरह भाव पसंद है, या वत्सल भाव में आनंद आता है, किस तरह के भाव को करना सबसे ज्यादा? हर रस का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरी एक बहुत पसंदीदा ठुमरी है महाराज बिंदादीन जी की द्वारा रचित, जो कि खंडिता नायिका पे आधारित है, और वो बहुत नाराज है अपने प्रिय से कि
वो कह रही है कि जागे हो कहीं रैन, अरे हाँ रे, अलसाने नैना रतनारे, अलसाने नैना रतनारे, चाल लटपटी आए हो होत भोर, जागे हो कहीं रैन। कितनी खूबसूरत बात है, कवि ने कुछ पंक्तियों में कितना कुछ समा दिया और एक परफॉर्मर ने कितनी गहराई दिखा दी, नहीं भावना? बिल्कुल बिल्कुल। और आपका एक इनिशिएटिव है जिसके ज़रिए आप जो शास्त्रीय कलाएं हैं, चाहे वो संगीत है या परफॉर्मिंग आर्ट्स है, नृत्य है, उसे आप आज के युवा से जोड़ने में लगी हुई हैं। सो वी वुड बी हैप्पी इफ़ यू कुड प्लीज़ एलैबोरेट मोर ऑन दैट। बीट्स एंड पीसेस नाम का हमारा ये प्रोजेक्ट है, जो कि एक छोटी सी कोशिश है हमारी इस तरफ कि युवा को, युवा पीढ़ी को हम नृत्य के साथ और शास्त्रीय संगीत के साथ जोड़ सकें। इसमें मेरे साथी हैं अनुब्रत चैटर्जी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े तबला वादक हैं और नए पीढ़ी से संबंध रखते हैं। तो हम लोगों ने ये खुद भी महसूस किया कि हम बच्चे जो कि ऑलरेडी क्लासिकल से एसोसिएटेड हैं, वो भी ये महसूस करते हैं कि हम लोगों का अटेंशन स्पैन अब बहुत छोटा हो गया है। वो ज़माना और था जब 2.5-3 घंटे के कॉन्सर्ट में भी लोग बैठते थे और हिलते भी नहीं थे। आजकल 45 मिनट, 1 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं बैठ पाता है। तो युवा पीढ़ी को जोड़ पाने के लिए कोशिश रही है कि इस फॉर्मेट को शॉर्ट कर दिया जाए, जैसे T20 ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक हम उसे कहते हैं। okay. कि 15-20 मिनट में आपको क्लासिकल का हर रंग दिखा दिया जाए। right. और आप खुद चूज करें, आप खुद चुन पाएं कि आपको गायन ज़्यादा पसंद है या वाद्य यंत्र ज़्यादा पसंद है या नृत्य ज़्यादा पसंद है। जी. पर इसमें परफॉर्मेंस जो भी होती है वो प्योर क्लासिकल होती है, कुछ फ्यूजन नहीं है। तो ये कोशिश है हमारी बीट्स एंड पीसेस की। कुछ 2 साल हुए हैं हमें ये मुहिम छेड़े हुए। सो आप दिल्ली और दिल्ली से बाहर हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जाकर देश विदेश में ये प्रोग्राम्स हम करते हैं। लवली। और विदेशी लोग भी इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और यंगस्टर्स, हम लोग कॉलेज फेस्टिवल्स में इसको लेकर जाते हैं जहाँ पे सिर्फ रॉक हिप हॉप होता है, और वहाँ भी इतना प्यार और स्नेह मिलता है इंडियन क्लासिकल को। तो हमें लगता है कि अगर इस छोटी सी कोशिश से 2 लोग और भी ऐसे हैं जो क्लासिकल सुनने लगते हैं, तो हमारी कोशिश सफल होगी। ट्रू। आपको कथक में क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है? जैसे इसमें बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, तो आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद है? कथक में बहुत सी अलग अलग शैलियाँ हैं। इसमें तोड़े टुकड़े तिहाइयाँ तो हैं ही, अभिनय भी है जैसे हम बात कर रहे थे। इसमें कवित्व है जो कि दूसरे घरानों में बहुत इस्तेमाल होता है। मेरा अपना पसंदीदा सबसे जो खास कॉम्पोजिशंस हैं वो हैं गद्य। गद्य माने चलने के ढंग, एक ठहराव है उसमें, कलाइयों का काम है, ग्रीवा का काम है। अच्छा। और आईब्रोज यूज होती हैं। इन सब चीज़ों को मिला के गत होता है। ये लखनऊ घराने की बड़ी खास चीज़ है। जी शिंजनी, इस समय एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कथक नृत्य जो है वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जाना जाता है, पहचाना जाता है, स्कूलों में बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है, और बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कम उम्र में कथक सीखकर परफॉर्म भी कर रहे हैं। जी ऐसे में जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी शुद्धता, उसकी प्योरिटी और क्वालिटी कितनी मेंटेन्ड है? मैं आपको और आपके माध्यम से ये सभी लोगों को, दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि हमारे गुरु हमेशा कहते हैं कि पहले सीखो, परफॉर्मेंस करने की जल्दी में मत पड़ो। जो कि आजकल मुझे लगता है एक थोड़ा डिस्टर्बिंग सा ट्रेंड डेवलप हो गया है कि बच्चे 2-3 महीना सीख के पहले स्टेज पे जाके परफॉर्म करना चाहते हैं। इसमें आपकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। और बॉलीवुड के कई गानों में कथक को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है, बल्कि मेरे नाना खुद, उन्हें नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड सभी मिला है कथक को दर्शाने के लिए क्लासिकल में। बट 3 मिनट या 4 मिनट के गाने में पूरे कथक के रंग को, हर एलिमेंट को जस्टिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए कई सालों की तपस्या, ट्रेनिंग लगती है, और सिर्फ 4 स्टेप्स सीख करके उसको कर लेने से आप कथक डांसर नहीं बन सकते। ये बात सही है। तो महान हीरोइंस जैसे वहीदा रहमान जी या आशा पारेख जी या आजकल के दौर में माधुरी दीक्षित जी ने, सभी ने कई सालों तक कथक में ट्रेनिंग ली है और तब जाके क्लासिकल गानों को वो बॉलीवुड में इस अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर पाई हैं। जी भावना, तुम बता रही थी ना शिंजनी के फिल्मी कनेक्ट के बारे में। हाँ, मैं अभी इनसे बात ही कर रही थी कि आपकी अभी हाल फिलहाल में ही एक एंट्री हुई है फिल्मों में, तो ये कथक से
फिल्मी दुनिया में कदम रखना ये कैसे हुआ? मैं अपने आप को डांसर से पहले परफॉर्मिंग आर्टिस्ट मानती हूँ, जिसमें कि एक्टिंग भी इन्वॉल्व है, डांस भी इन्वॉल्व है, थिएटर भी इन्वॉल्व है, जो सभी कुछ मैं थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करती हूँ। तीन अलग अलग भाषाओं में मैंने फिल्म्स किए हैं और ये सिर्फ एक कोशिश है एक्सप्लोर करने की कि और क्या है जो मेरे डांस में रस और भर सकता है। तो जो मेरी आखिरी फिल्म रिलीज़ हुई है वो है एक बांग्ला फिल्म हर हर ब्योमकेश के नाम से, जिसमें मैंने एक ठुमरी करी है पंडित बिक्रम घोष जी के द्वारा, उसका म्यूज़िक है जो कि एक महान तबला वादक हैं। तो ये एक छोटी सी कोशिश है, एक्टिंग सिर्फ मेरा शौक है और मेरे को लगता है कि वो डांस को और जितना एनरिच करे उतना अच्छा है, क्योंकि ये सभी विधाएँ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। शिंजनी, आप अपने गुरु की बात बता रही थी कि गुरु जी कहते हैं कि पहले रियाज करो, पहले अपने आप को साध लो, पका लो, उसके बाद मंच पर उतरना। तो डांस को आप क्या केवल एक परफॉर्मिंग, एक आर्ट के रूप में देखते हैं या वो आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है? डांस की छलक और छाप आपके जीवन के किन किन आस्पेक्ट, किन किन आयाम पर पड़ती है? जब आप उसको जीने लगते हैं तो आप खुद भी ये रियलाइज़ नहीं करते कि हर एस्पेक्ट में वो ढलने लगता है, बहने लगता है। आज से कई साल पहले तक, जब तक मैं डांस के बारे में इतना सीरियस नहीं थी, तो मुझे कॉमिक बुक्स पढ़ना पसंद था और मैं नॉवल फिक्शंस पढ़ती थी, पर अब मैं सिर्फ म्यूजिशंस की बायोग्राफी ही पढ़ पाती हूँ, उसी में मज़ा आता है। और भले ही हम हर तरह के म्यूज़िक को इन्जॉय करें, पर जब मुझे सुकून चाहिए, जब मुझे शांति चाहिए, तब मुझे सिर्फ विलायत खान साहब का सितार ही अच्छा लगता है। तो डांस और म्यूज़िक आपके अंदर मनन करने वाली चीज़ है, जहाँ वो एक साइकिल रुका वहीं आप डिस्कनेक्ट हो गए। हमारे नाना के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि वो जब सो रहे होते हैं, नींद में हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, सर में खुटकी लगा रहे हैं और वो लेटे हुए हैं और उनके हाथ में ये गिनती चलती रहती है, लय की गिनती चलती रहती है, मात्राएं चलती रहती हैं। इस तरह का साधना जो कर सकता है वही फिर आगे जाके लेजेंड बनता है। तो हम तो बहुत छोटी सी स्टूडेंट हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं, पर एम यही है कि उसी में डूबे रहें, क्योंकि एक समुद्र है। आप निश्चित ही आप बहुत खूबसूरत आप डांसर हैं, पर आप यहाँ बैठी हैं, हम आपसे परफॉर्म नहीं करवा सकते, लेकिन हमारे पास कुछ झलकियाँ हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, तो थोड़ी सी झलकियाँ देखी जाएं। ज़रूर। ये सुंदर भावपूर्ण प्रस्तुति है शिंजनी कुलकर्णी की, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। यस भावना, यू वर सेइंग समथिंग। बहुत खूबसूरत आपका डांस है और इसमें मैंने बारीकी से मैंने कुछ चीज़ें देखी कि ये जो अदाएं होती है ना, जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, मतलब हम ये नहीं कर सकते। तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है इन सब चीज़ों की। आपको मैं बहुत मज़ेदार बात बताऊँ कि हमको कहा जाता है कि हर रस को जियो। अख्तरी बाई के बारे में बड़ा फेमस है कि उनकी गज़ल में इतना दर्द और इतनी रूह इसलिए हुआ करती थी कि उन्होंने उस हर एक रस को उतना जिया है। उनकी पर्सनल लाइफ अगर आप जाने तो बहुत ट्रबल्ड लाइफ रही है, और
उस रस को अगर आप जीते नहीं हैं तो आप वो भाव अपनी आँखों से व्यक्त नहीं कर सकते जी। इसलिए चाहे श्रृंगार रस हो, चाहे रौद्र रूप हो, हर रस का अपना एक इम्पोर्टेंस और एम्फेसिस है, और इसके लिए सिर्फ सरफेस पे नहीं जिया जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि आर्टिस्ट लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को इतना वल्नरेबल कर देते हैं ताकि हर रस का आनंद लिया जा सके, चाहे वो एक विरह का रस क्यों ना हो, पर उसका भी अपना एक आनंद होता है। बट डज इट टेक अ टोल ऑन एन आर्टिस्ट अगर बाई चांस आप पेन दिखाना चाह रहे हैं, दर्द दिखाना चाह रहे हैं, अवसाद सो अगर आप उसे खुद इतना अनुभव कर रहे हैं तो क्या कभी इमोशनली बहुत ड्रेनिंग भी होता है? एब्सोल्युटली। यू शुड यू आस्क अ पोएट हाउ कैन ही एवर राइट अ पोएम अबाउट विरह विदाउट हैविंग फेल्ट दैट इमोशन। एंड सिमिलरली फॉर अ डांसर और फॉर अ एक्टर, ये हर आर्टिस्ट महसूस करता है कि भले ही वो इमोशनली ट्रेनिंग हो, बट आई थिंक वो आर्टिस्टिकली बड़ा रिवॉर्डिंग होता है। क्योंकि वो जो मास्टरपीस फिर क्रिएट हो जाता है, वो हमारे यहाँ कहते हैं, नाना कहते हैं अक्सर कि आप कृष्ण को किस तरह से दिखाओगे अगर आपने कृष्ण की भक्ति ही नहीं की तो। सही बात। तो वो भक्ति भाव आपके मन में जब तक नहीं उत्पन्न होगा, तब तक आँखों में कृष्ण का रस नहीं दिख सकता। सही बात। वेरी ट्रू। जो आप बीट्स एंड पीसेस की बात कर रही थी कि आपने बात बोली थी कि उसमें आप फ्यूजन नहीं करते हैं, आप उसे प्योर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, पर आजकल जितने डांसर्स हैं एक यूथ कनेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए, जो सोशल कंसर्न्स हैं, कॉजेस को सामने लाने के लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बीट फ्यूजिंग विद सम पोएट्री और सम टेक्स्ट, सो क्या आप भी ऐसा कुछ करती हैं? मैंने कुछ कंटेम्प्रेरी पोएम्स पे काम ज़रूर किया है। फ्यूजन सो टू से मैंने नहीं किया, कोट अनकोट अभी तक, और मेरी कोशिश है कि जितने प्योर में मैं जितने समय तक रह सकूं, सही बात, वो मेरे लिए मुझे लगता है वो ज़्यादा चैलेंजिंग है कि बाउंड्रीज के अंदर रह के कुछ नया कर पाना वो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि क्लासिकल इज़ क्लासिकल बिकॉज इट हैज़ अ ग्रामर एंड यू मस्ट फॉलो इट। एंड एक लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की पोएम है द ब्रुक, आपने सुना ही होगा, उस को हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको कथक के ज़रिए दिखाया है कि कैसे एक नदी जो है वो पहाड़ से उतर रही है गतिपूर्ण होकर, और सागर में मिलने पे एकदम शांत स्वभाव की हो जाती है। तो हम मैं इस प्रोग्राम को शुरू करती हूँ द्रुत लय में, तेज़ फुटवर्क के साथ, घुंघरू की छनक के साथ, और धीरे धीरे जैसे प्रोग्राम चढ़ता जाता है वैसे वैसे लय घटती जाती है, और शांत स्वभाव में एक थाट के साथ हम उसको फिनिश करते हैं। क्या बात, क्यों ना थोड़ी सी उसकी कुछ झलकियां देख ली जाएं यहाँ पर थोड़ा डेमो हो जाए। मैं ये कविता आपको सुनाती हूँ। हाँ। कलकल करती बहती धारा, कलकल करती बहती धारा, उमंग भरी मैं इत उत डोलूं, मेरा रूप प्रबल अति सुंदर, दिशा दिशा मंजिल को ढूंढूं, पवन झकोरा साथी मेरा और बढ़ाता वेग हमारा, मिला मुझे अनजान किनारा जिसको देखा कुछ ना भाया। ये नदी की जर्नी के बारे में है, और आखिरी में वो कहती है कि सागर का वो नाद निरंतर सुनकर मैंने हाथ बढ़ाया, अंग अंग पुलकित है मेरा, अंग अंग पुलकित है मेरा, जो चाहा था मैंने पाया। क्या अति सुंदर, अति सुंदर। थैंक यू। जहाँ पर एक परफॉर्मर स्टेज पर लोगों की तारीफ पाता है, ताली पाता है, उसके लिए वो घंटों साधना भी करता है, तो क्या डांस अगर हम एजुकेशन का हिस्सा बना सकें, तो आपको लगता है कि बच्चों में हम डिसिप्लिन या संयम या कंट्रोल, ग्रेस एम्बाइब कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आजकल के बच्चों में है, पेशेंस। ये कथक नृत्य से या क्लासिकल डांस, किसी भी क्लासिकल म्यूज़िक फॉर्म से उन्हें ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये एक महीने में, दो महीने में सीखने वाली चीज़ नहीं है। इसको परफेक्ट करने के लिए एक पूरी उम्र लग जाती है। ये पेशेंस सिखाता है, ये डिसिप्लिन सिखाता है, ये आपको गुरु की तरफ रिस्पेक्ट सिखाता है। हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जब जाते हैं तो आप टीचर से बोलते हैं कि बच्चों को बोलो सवाल करें, और गुरु शिष्य परंपरा में हमें सिखाया जाता है कि आप गुरु से सवाल नहीं कर सकते, किसी भी तरह का नहीं। तो ये अलग अलग तरीका है। मुझे लगता है कि
अगर आप यंग एज में क्लासिकल सीखना शुरू करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में एक अलग तरह की फ्रेग्रेंस आ जाती है और एक शांत स्वभाव से आप अपना जीवन आगे खुद बना सकते हैं। क्या बात, और वो महक हम तक आज पहुंची है और आपकी जो आभा है वो हमारे दर्शकों तक पहुंची होगी। शिंजनी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू, मुझे भी बहुत बहुत आनंद आया और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलो भावना, अब हम अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं संगीत की दुनिया में। तो उत्तराखंड रंगमंच संगीत के महान संगीतज्ञ मोहन उप्रेती जी ने स्थापित किया पर्वतीय संस्कृत कला केंद्र, जिसने हाल ही में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई और वहां पर कई गीत और नृत्य नाटिकाओं का सुंदर मंचन किया गया, वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। तो दिखाते हैं आपको उस पर एक रिपोर्ट। हिंदुस्तान में हिंदी क्षेत्र में काम करने वाली बहुत कम ऐसी संस्थाएं गिनी जा सकती हैं उंगलियों पर। उसके लिए पर्वतीय कला केंद्र और मोहन उप्रेती जी मतलब बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं पर्वतीय कला केंद्र का कि उन्होंने मुझे चुना। पर्वतीय कला केंद्र आज अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है, उसके पीछे स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी का बहुत बड़ा योगदान है। 1968 में दिल्ली में स्थापित ये हुआ था, उससे पहले भी अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद 1968 के बाद लगातार पर्वतीय लोक संस्कृति के संवर्धन के लिए, उसके निरंतर विकास के लिए हम तकरीबन 150 से ज़्यादा लोक गाथाओं का मंचन दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के अलावा भारत के अन्य राज्यों में और इसके अतिरिक्त विदेशों में भी बहुत सारी प्रस्तुतियां कर चुके हैं। पर्वतीय कला केंद्र आज जो अपनी स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है, उसमें जो गीति नाट्य प्रस्तुत हो रहा है रसिक रमौल, उसका निर्देशन मैंने किया है। रसिक रमौल उत्तराखंड की एक सुप्रसिद्ध लोक कथा है, जिसमें संगीत के माध्यम से हमारे पहाड़, चाहे कुमाऊँ हो चाहे गढ़वाल हो, उनका किस तरह से सामंजस्य रहता है प्रकृति के साथ, अपने वातावरण के साथ, पशु पक्षियों के साथ, इसमें दिखाया गया है। रमौल बंधु दो भाई
उनके माध्यम से कथा आगे बढ़ती है और किन किन परिस्थितियों से वो गुजरते हैं, लेकिन अंत में जो सबसे प्रमुख बात निकल के आती है कि अगर आत्मा पवित्र है, मन पवित्र है, तो उससे संगीत उत्पन्न होगा, उसी से एकाकार हो पाएगा, चाहे हमारी प्रकृति हो, हमारे मनुष्य हो, हमारे साथी हों, हमारे पेड़ पौधे हों, और वही प्रकृति और वही उत्तराखंड इसी बात के लिए माना भी जाता है। रसिक रमाल का हमारा जो मंचन है, ये हमने आज से 30 वर्ष पूर्व किया था। मोहन जी ने इसका संगीत निर्देशन किया था और अपना ब्रजनलाल शाह के आलेख था और बीएम शाह ने इसको निर्देशित किया था। आज हमारा सौभाग्य है कि पर्वतीय कला केंद्र अपने 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती के पावन अवसर पर अपना रसिक रमाल, जो कि एक संगीतमय, एक नृत्यमय, एक अपने गीत नाटिका है, उसके अपना मंचन का एक अपना फैसला लिया और आज ये LTG सभागार में इसका मंचन किया जा रहा है। नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। गुड इवनिंग। अब हम बात कर रहे हैं घर की आशियाने की, जिसे बनाने के लिए इंसान अपनी सारी ज़िंदगी लगा देता है। अब अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के आसपास NCR रीजन में नए डेवलपर्स आ रहे हैं जिसमें कंज्यूमर अपने जीवन भर की पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है, राइट भावना? राइट। और ऐसे में उसके अधिकार सुरक्षित करने के लिए एक एक्ट आया जिसे कहते हैं रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट। तो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स किस तरीके के हो सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए, रेरा एक्ट पर विस्तार में बात करने के लिए हमने स्टूडियो में बुलाया है दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट शिव कुमार जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी भावना, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि असल में रेरा है क्या, इससे क्या फ़ायदा होगा? रेरा देखिए, एक बेसिकली एक ऐसा जो नया कानून आया है हमारे सामने, पहले रियल एस्टेट वर्ल्ड में कोई कानून नहीं था, तो उसके बाद एक 2016 में एक एक्ट आया, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। जी। तो उसमें ये बेसिकली मैंडेट था कि रेरा रेगुलेटरी अथॉरिटीज होंगी हर स्टेट्स के अंदर जो इसको रेगुलेट करेंगी। जी। इससे पहले हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं था इसके इस रिगार्ड में कि रियल एस्टेट को कोई रेगुलेट कर सके। जी। तो दिस इज ऑल अबाउट रेरा, दिस इज द लॉ बेसिकली। नो, इट हैज कम इनटू द इफेक्ट, और ये कंप्लीट इफेक्ट में 2017 के अंदर ये आ गया था, क्योंकि कुछ सेक्शंस इसमें रह गए थे जो 2017 में फाइनली इट केम इनटू द इफेक्ट। तो शिव कुमार जी, इसकी जरूरत आखिर हमें पड़ी क्यों? आपने कहा कि एक हर स्टेट में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, कहाँ कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, कहाँ कुछ क्या कुछ गलत हो रहा था बायर के साथ, क्यों इसकी जरूरत पड़ी कि ये एक्ट लाया गया? देखिए, हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर के बाद मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्शन एक सेकंड ऐसा लार्जेस्ट एक फील्ड है जिसमें सरकार को कानून लाने की आवश्यकता थी, एंड वी आर थैंकफुल दैट द लेजिस्लेचर इज गिवन सच अ वंडरफुल लॉ विच मेक्स इट वेरी क्लियर कि क्या बायर्स के राइट्स होंगे, क्या बिल्डर के राइट्स होंगे, अगर डिस्क्रिपेंसीज हैं तो कैसे कवर अप किया जाएगा। तो इट वॉज ऑल अबाउट दैट, और कंप्लीट एक एक चीज को बड़ा, देखिए जो रेरा को जब लाया गया तो उस पर बड़ा इस बात का ध्यान रखा लेजिस्लेचर ने कि इसमें एक तो ट्रांसपेरेंसी रहे, जब बायर एक बिल्डर से फ्लैट खरीदता है जी, तो उसको एम्पावर किया जाए उसके राइट्स को लेकर के, और इफेक्टिव सेल ऑफ फ्लैट्स, प्लॉट्स एंड अपार्टमेंट्स इसको स्मूथ किया जाए। तो चूंकि इसमें मेरे हिसाब से इट इज मोर देन, डाटा पीछे कहता है कि 13,800 करोड़ से भी ज्यादा का इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर के बाद। यानी कि जो बायर है, जो कंज्यूमर है, उसके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, उसे फायदा और लाभ पहुंचाने के लिए एक्ट लाया गया। आपने बात की ट्रांसपेरेंसी की, तो यानी कि रेरा की वेबसाइट पे ये सारी जानकारी जो है कि एक बिल्डर के लिए प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी, चाहे वो पानी है, एरिया है, वो सब के सब पब्लिश होना ज़रूरी है। यहाँ पर आपसे सवाल ये है कि किस तरह के बिल्डर को रेरा में अपने आप को रजिस्टर कराना ज़रूरी है? कोई एरिया का, कोई साइज का स्पेसिफिकेशन है? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही उम्दा सवाल, बहुत अच्छा सवाल किया।
एक्चुअली जब ये कानून बना तो इसमें एक सेक्शन 3 का प्रावधान है जिसमें ये बड़ा क्लियर और बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी प्रोजेक्ट होगा बिल्डर का, प्रमोटर का, डेवलपर का, इट हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द रेरा अंडर दीज प्रोविजंस एंड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो उसमें क्या था बेसिकली, सबसे पहले तो वो बिल्डर बताएगा कि भाई आपका जो एंटरप्राइज है किस नाम से है, राइट, और अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट ओनली दैट किस टाइप का आपका एंटरप्राइज है, आप सोसाइटी हैं, आप पार्टनरशिप हैं, प्रोपर्टरशिप हैं, या आप कंपनी हैं। उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल्स देनी होगी एंड नॉट ओनली दैट कि आपके इंजीनियर्स कौन हैं, उनकी डिटेल्स देनी होगी, उनका फोन नंबर, उनका एड्रेस और उनकी क्वालिफिकेशन कि भाई ये किस तरह के लोग हैं, और आपने कोई एजेंट रखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर रखा हुआ है, तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। तो सेक्शन 4 में फिर दिया हुआ है कि भाई अगर आप ये करते हैं तो ये आप एप्लीकेशन मूव करेंगे और इस तरीके से सारी चीज़ें आएंगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ऑनलाइन की जाएगी, आपको एक लॉगिन आईडी दिया जाएगा, वेब पोर्टल पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन की जाएगी। अब कंज्यूमर देख सकता है, अपने स्टेज देख सकता है कि उसका जो फ्लैट है या उसका जो प्रोजेक्ट है जिसमें उसने अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट किया है, right. उसकी एक्चुअली स्टेज क्या है। अब इस वक्त बहुत सारे पहले ऐसा कानून नहीं था, इनफैक्ट जी, मतलब पारदर्शिता बढ़ चुकी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और एम्पावर भी किया है जो कंज्यूमर है, जिसने पैसा लगाया उसको एम्पावर भी किया गया। डेफिनेटली जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उस पर हम बातचीत करेंगे कि पहले कहाँ जो एक कंज्यूमर है वो परेशान होता था, अब उसे क्या बेनिफिट होते हैं उस पर बात करेंगे। पर उससे पहले जो हमारे देखने वाले हैं वो भी इस चर्चा का अगर हिस्सा बनना चाहें, अपने सवाल पूछना चाहें, तो बेझिझक बेलाग हमारे स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 2309-7524। अगर आप लैंडलाइन से या दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011 डायल कीजिएगा, उसके बाद 2309-7524। सो प्लीज फील फ्री टू कॉल इन एंड आस्क योर क्वेरीज। शिव कुमार जी दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सो अभी पिछले दिनों 2016-17 में ही बहुत सारे नामी गिरामी बिल्डर्स थे जो इंसॉल्वेंसी में केस में गए, जिन्होंने अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित किया, और फिर कंज्यूमर्स ने जिनका मान लीजिए 15वें 16वें माले पे घर है, उसकी नींव भी नहीं खुदी है, जिनका सपना जो है हवा में है, 80% 70% पैसा दे चुके हैं, तो ऐसे लोगों ने अपना NCLTC में अपना केस दायर किया। हाल ही में ऐसा कुछ नया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टे लगाया है, इफ़ यू कुड इलैबोरेट मोर ऑन दैट। सुप्रीम कोर्ट की, देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट इसमें आई है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा। जी जी जी, जब सेक्शन 4 में वो अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए सर्टेन डॉक्यूमेंट्स देता है, कोई भी बिल्डर और कोई भी डेवलपर या कोई भी प्रमोटर जो भी प्रोजेक्ट अपना पूरा करना चाहता है, राइट, तो देखिए उसमें बड़ा बहुत सारी चीजें उसमें दी हुई हैं कि एक तो आप ये बताएंगे कि भाई आप किस तरह का एंटरप्राइज है, क्या नाम है, उसके बाद आप डिटेल्स देंगे, और उसके बाद एक एफिडेविट डिक्लेरेशन देंगे जो कि सपोर्टेड विद होगा एफिडेविट, जिसमें बड़ा स्पष्ट तौर पर उसको बताना पड़ेगा कि मेरा सेंक्शन प्लान क्या है, लेआउट प्लान क्या है, वेदर इट इज सेंक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। उसके बाद डिमार्केशन होना चाहिए कि भाई ये मेरा जो एरिया है विद अलॉन्ग विद द बाउंड्रीज एंड ऑल दैट। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब चूंकि आपने बात छेड़ी है, चर्चा छेड़ी NCLT की, इंसॉल्वेंसी की, तो उसमें एक प्रावधान दिया हुआ है, जो भी प्रमोटर है या उसके बिहाफ पे जिसको भी उसने ऑथोराइज किया है वो डिक्लेरेशन देगा सपोर्टेड विद एन एफिडेविट, जिस पे बड़ा स्पष्ट लिखा होगा कि जो 70% जो कंज्यूमर ने पैसा दिया है, अपना हार्ड एंड मनी जो इन्वेस्ट किया है फ्लैट्स के अंदर, उसको एक एस्क्रू अकाउंट में रखा जाएगा, शेड्यूल्ड बैंक में पैसा रखा जाएगा, एंड मोर इम्पोर्टेंटली उस पैसे को किसी और प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं इंसॉल्वेंसी में जो लोग जाते थे पहले, जो बिल्डर्स जाते थे, जो डेवलपर्स जाते थे, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा है, बिकॉज दैट फंड्स कैन नॉट बी डाइवर्टेड नाउ। हाँ, यानी कि कोई बिल्डर आपसे पैसा ले आपके प्रोजेक्ट के नाम पर, आपको प्रोजेक्ट आपका सब ना देकर अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट में पैसा ना डाल सके, ताकि डिलेज ना हो पोजिशन। बिल्कुल सही फरमाया आपने, इनफैक्ट पहले होता ही ऐसा था कि पैसा ले लिया, बहुत सारे लोग इसमें कूद पड़े थे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कहीं था नहीं, कहीं कोई रेगुलेशन था नहीं, लोगों को लगा बड़ा प्रॉफिट है। अरे ये कारण रहा मेरे ओपिनियन के हिसाब से, क्योंकि हम देखते हैं कि लगभग जो NCR में सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, 50% जो प्रोजेक्ट्स हैं पूरे हिंदुस्तान में वो NCR में है, और उसका भी जो मेजोरिटी पोर्शन है 50% का, 80% दैट इज नोएडा एरिया। तो लोग तमाम इस तरीके के कूद पड़े उसके अंदर कि भाई प्रॉफिट ज्यादा है, ऑर्गेनाइज नहीं था उनका बिजनेस, डिसिप्लिन नहीं था, और उसकी वजह से वो लॉसेस होने लगे, वो लोग इंसॉल्वेंसी में जाने लगे। एक अच्छी बात ये है रेरा के आने के बाद से, कि एक ऐसा अकाउंट खोला जाएगा जहां पर प्रोजेक्ट की 70% जो कीमत है वो डाली जाएगी, ताकि प्रोजेक्ट को देने में डिले ना हो और कंज्यूमर को फायदा हो। और एक चीज और सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है इस कानून के माध्यम से, देखिए ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अगर कोई है तो उसको वो कंप्लीट करना पड़ेगा,
ही कैन नॉट गेट अवे बाय गेटिंग हिज कंपनी इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंसी की तो चांसेस अब कम हो गए. देखिए रिस्क कम हो गया जी, इसमें जी. कहीं भी कोई संदेह नहीं. पर जो ऑलरेडी अपने आप को घोषित कर चुके हैं उनका क्या? उनका अभी जो कुछ लोगों ने जैसे किया, अभी रिसेंट सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जी. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एनसीएलटी पे हम स्टे अभी करते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स पे, क्योंकि हमारा जो फोकस है बेसिकली वो सिक्योर करना है प्रीडोमिनेंट इंटरेस्ट ऑफ द बायर. उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि इसमें स्टे के साथ साथ हम परमिट करते हैं जो डेवलपर एक्सटर्नल बाहर से कोई आए स्टेप इन करे, जिससे कि अनफिनिश्ड इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जा सके. अल्टीमेटली उनका जो फोकस था वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट और राइट्स के ऊपर. बिल्कुल जी, हम यहाँ बार बार प्रोजेक्ट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मेरे जहन में एक बात आ रही है कि हमारे दर्शकों के भी दिमाग में ये बात आ रही होगी कि किस तरीके के प्रोजेक्ट्स इसके अंतर्गत आते हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स इसके अंदर नहीं आते हैं. देखिए कौन से नहीं आते हैं, तो जितने भी जो 500 स्क्वायर मीटर वाले जो हैं वो इसके अंदर कवर्ड नहीं होते, उससे ज्यादा वाले रेरा के अंदर रजिस्टर होना होगा. या कोई रेंटिंग का काम कर रहा है तो रेंटिंग इज नॉट कवर्ड अंडर रॉ अंडर रेरा सॉरी. और अपार्ट फ्रॉम दैट एक तो रेंटिंग नहीं आता, और कोई अगर रेनोवेशन कर रहा है रीडेवलपमेंट कर रहा है अनटिल अनलेस वो एडवर्टाइज नहीं कर रहा, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, एडवर्टाइज नहीं कर रहा, मार्केटिंग नहीं कर रहा, सेल नहीं कर रहा, अलॉटमेंट नहीं कर रहा, सो दैट इज नॉट कवर्ड अंडर रेरा. जी अब इफ वी टॉक अबाउट द डिस्प्यूट्स कि किस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं, कुछ डिस्प्यूट्स तो होते हैं वो तो ये इस बात को लेकर होते हैं कि डिले हो रहा है, हमने पैसा दे दिया मकान नहीं मिल रहे हैं, और कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे होते हैं कि आप आ गए आपने पोजीशन ले लिया और उसके बाद आपने देखा कि जो क्वालिटी दी गई है कंस्ट्रक्शन की वो एट पार जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था अग्रीमेंट था उसके हिसाब से नहीं था, तो क्या दोनों ही स्थिति में एक कंज्यूमर रेरा के पास जा सकता है, मतलब अपनी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो उसकी स्टेट में उसके पास जाकर कंप्लेंट दर्ज करा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल करा सकता है. लेकिन पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर हम जाएं जी, रेरा से पहले की बात करें तो पहले डेवलपर क्या करता था, सुपर बिल्ट अप एरिया के नाम पे जी वो आपसे तमाम पैसे ले लेता था, और आपको एक्चुअली क्या मिलता था, कार्पेट एरिया मिलता हाँ, था अच्छा. जो कि सराउंडेड बाय बाउंड्री वॉल्स, जो इनसाइड वाला जो अंदर वाला जो एरिया, जिस एरिया पे कार्पेट बिछा सकते exactly, हैं exactly. वो कार्पेट एरिया बहुत सरल है. और इनफैक्ट ये कानून आने के बाद तो उसको डिफाइन भी कर दिया गया कि कार्पेट एरिया है क्या. राइट तो वहां पे क्या करता था, जो बिल्डर और डेवलपर होते थे वो उस एरिया को भी बेच देते थे और पैसा ले लेते थे. अब चूंकि ऐसा नहीं, वो डिफाइंड है, अब उसको वो बेच नहीं सकता. अगर आप किसी का कोई ग्रीवियंसेस है तो वो अपने ग्रीवियंस को एड्रेस करने के लिए रेरा के पास जा सकता है, रेगुलेटर के पास जा सकता है, अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है. अगर वो चाहे तो फ्रॉम द डे वन, अगर आज की तारीख में उसको मिलना था तो कल से वो अगर वो चाहे तो अपना वो विड्रॉ कर सकता है और उसको वो पैसा वापस मिलेगा. बिल्डर और डेवलपर प्रमोटर दे ऑल आर बाउंड टू रिटर्न द मनी विद इंटरेस्ट, जो कि ये पहले नहीं था. क्या प्रोसीडिंग है अगर किसी को लगे कि हाँ मुझे समय पर नहीं मिल रहा है, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, रिफंड चाहिए, तो आपको एक कंप्लेंट रेरा के रेगुलेटर के पास जाकर के अथॉरिटी में मूव करनी होती है. अगर वहां से कोई डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आपके पास एक ट्रिब्यूनल भी, अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया हुआ जो कि 60 दिन के अंदर फैसला देगा. अगर वहां पे बिल्डर जाता है, प्रमोटर जाता है, अगर आपको चैलेंज करता है आपके ऑर्डर को, तो उसको 30% तक उसका जो इम्पोज्ड फाइन है वो जमा कराना पड़ेगा. नॉट ओनली 30%, वहां पे पूरा भी जमा कराना पड़ सकता है. वो डिपेंड करता है कि क्या उसके अपीलेट ट्रिब्यूनल उसके क्या क्या उसके फेवर में या किस क्या अगेंस्ट में आदेश देती है. तो अभी कंप्लेंट की बात हुई तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कंप्लेंट किन किन केसेस में हम दर्ज करा सकते हैं. कंप्लेंट आप अगर आपका अब ये रेरा में इस बात को भी डिफाइन किया गया है कि आपने कोई फ्लैट ले लिया, देखिए आपने बड़ी मेहनत से बड़े सपने संजोए थे कि आपको एक फ्लैट मिले, आपने अपने हार्ड एंड मनी लगा के आपने बुक कर दिया, यू गॉट द फ्लैट. 5 साल के अंदर आपको पता चलता है, देखिए उसमें समय सीमा दी हुई है, टाइम पीरियड उसमें दिया विद इन 5 ईयर्स. अगर आपको पता चलता है भाई फिक्स्चर्स या कोई एसेसरीज या कोई मटेरियल बढ़िया नहीं लगाया है, तो वहाँ पे जो प्रोमोटर डेवलपर है वो बाउंड है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराने के लिए विद इन 30 डेज. तो एक सबसे बड़ी बड़ी जो चीज़ 5 साल तो एक लंबी मियाद है जी, तो उसमें तो आप डिटेक्ट कर ही लेंगे क्या डिफेक्ट है, कहाँ पे कहाँ फिक्स्चर्स में, कहाँ पे एसेसरीज में कहाँ गड़बड़ी है, या कंस्ट्रक्शन में कोई कहीं पे सीपेज है, तो यू कैन क्लेम दैट फ्रॉम द तो विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट. तो विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट यस, एंड इट हैज टू बी डन बाय डेवलपर विद इन 30 डेज. वहां पे समय 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 भी तो वो आपको बहुत घुमा नहीं सकता. राइट सो अभी रेरा पूरे हिंदुस्तान में जितनी स्टेट्स हैं हर स्टेट में लागू हो चुका है. देखिए 2016 में एक कानून आया रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, कंप्लीटली इफेक्ट में आया 2017 में. कुछ सर्टेन सेक्शंस रह गए थे उनको इम्प्लीमेंट और नोटिफाई बाद में किया गया जी. तो चूंकि लगभग हम मुझे लगता है कि 1.5 साल करीब हो गए हैं और आज हम 2019 में हैं, तो ऑलमोस्ट तमाम स्टेट्स में इसको लागू कर दिया गया है एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट की जो सम स्टेट्स हैं वहाँ पे अभी नोटिफाई नहीं किया है. ऑलमोस्ट बहुत सारी स्टेट्स में इसको नोटिफाई कर दिया है.
शिव कुमार जी, अभी हम प्रोसीडिंग्स की भी बात कर रहे थे, तो स्टेट में तो किसी, अगर पूरी एक स्टेट है, स्टेट में बहुत सारे शहर हैं, और अगर एक अपेलेट अथॉरिटी या एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, और इफ़ आई हैव टू लॉज अ कंप्लेन, सो क्या उसका ऑनलाइन प्रोसीजर है या फिर वाकायदा उस जगह जाना पड़ेगा, डिस्टेंस तय करके और फिर कंप्लेन करनी पड़ेगी? ऑनलाइन प्रोसीजर भी है, वेब पोर्टल्स आपके पास है, सबसे पहले तो यू कैन हैव द इन्फॉर्मेशन, आप देख सकते हैं क्या स्टेज है, कहाँ पे क्या हुआ, क्या वायलेशन हुआ, टर्म्स एंड कंडीशन को कहाँ फॉलो अप नहीं किया गया। जी जी। तो ऑनलाइन के अलावा आप एक रिटर्न कंप्लेंट भी दे सकते हैं, और ये हर स्टेट के अंदर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई हुई है, उस रेगुलेटर के पास आप जाकर के अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अब फर्ज करें हम यूपी की बात करते हैं, यूपी इज अ बिग स्टेट, जैसा कि मैंने अभी कहा कि 50% का जो उसका भी 80% जो है वो सारा ग्रेटर नोएडा और नोएडा के अंदर है, जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा में हमारे पास है, मेरठ में हमारे पास है, गाजियाबाद में हमारे पास रेगुलेटरी अथॉरिटी है, बुलंदशहर में हमारे पास है, लखनऊ में तो हमारे पास था ही पहले। तो ये सारी बातें वहाँ जा करके ईजिली आप अप्रोच कर सकते हैं कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर को लगता है आई हैव बीन चीटेड, आई हैव बीन डिफ्रॉडेड बाय द डेवलपर, तो ही और शी कैन अप्रोच द रेगुलेटर एंड फाइल ए कंप्लेंट देयर एज वेल एज ऑनलाइन ऑल्सो। जी। सो आपने रिफंड की, आपने कहा था कि अगर मुझे लगता है कि भैया मेरा मुझे पोजीशन नहीं मिला, मैं रिफंड के लिए भी जा सकता हूँ। सो अगर किसी को कॉम्पनसेशन चाहिए हो कि डिले हुआ है प्रोजेक्ट में, तो उसमें क्या कुछ रेरा हेल्प करता है? रेरा हेल्प करता है जब आप विड्रॉ करते हैं कि भाई मेरे को अब ये फ्लैट नहीं चाहिए क्योंकि मुझे समय पर नहीं मिला, या फिर चाहिए पर डिले का कॉम्पनसेशन। पहले ये वाली बात करते हैं कि अगर मुझे चाहिए और मुझे नहीं मिला, हाँ, और तो मैं विड्रॉ करता हूँ। अच्छा। अगर मैं विड्रॉ करता हूँ उसको, तो मेरे को वो जो पूरा पैसा मिलेगा विद इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके ऊपर वो इंटरेस्ट कितना तय होगा? इंटरेस्ट तो वो रेगुलेटर डिसाइड करेगा, लेकिन पहले क्या होता था, पहले जब हमारे पार्ट पे डिले होता था तो बिल्डर बड़ा हाई चार्ज करता था रेट ऑफ इंटरेस्ट, कहीं 18%, कहीं 12%, कहीं 24% तक था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जब हम लेने जाते थे तो हमें 4% देता था, तो अब ऐसा नहीं है, बोथ वेज अब वो बराबर इंटरेस्ट रहेगा, एक तो ये बात है। अच्छा, यानी कि अगर कंज्यूमर ने इंस्टॉलमेंट देने में देरी कर दी, तो उस पर जो इंटरेस्ट लागू होगा वही इंटरेस्ट बिल्डर पे भी लागू होगा अगर वो फ्लैट को की डिलीवरी में लेट करता है। जी बिल्कुल। ओके, पहले ऐसा नहीं था, पहले हमें तो बहुत कम मिलता था जो कंज्यूमर होता था, और जो डेवलपर है जब उसका डिले करते थे वो बहुत ज्यादा लेता था इंटरेस्ट, अब ऐसा नहीं है। जी जी। और अगर डिले कॉम्पनसेशन की बात करें तो बराबर, अगर उनको कहीं कोई परेशानी नहीं है तो लॉ में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि देयर हैज टू बी ए बैलेंस, देयर हैज टू बी बैलेंस कि भाई डेवलपर का भी ध्यान रखें और उसका भी ध्यान रखें। राइट। तो दिस इज अ रेगुलेशन, मेरा अपना ये कहना है दिस इज अ रेगुलेशन, इट कैन नॉट बी अ स्ट्रैंगुलेशन, you cannot strangulate somebody, so this is purely a regulation, it's not a strangulation. right so baatein to chalti rahengi, abhi filhal aapse kuch sawal karne ke liye hamare sath ek caller jud gaye hain, ye hain Gujarat se Kiran ji. Kiran, aapka swagat hai, apna sawal puchhega. hello ji Kiran, apna sawal kahiye, hum aapko sun pa rahe hain. किरण की शायद आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो एडवांस के केसेस में जब कई बार एडवांस पेमेंट दे दी जाती है, तो उस हाल में भी रेरा में कंज्यूमर के लिए क्या है? देखिए, एडवांस पेमेंट तो अब तो इसमें कोडिफाई कर दिया है, अब 10% से ज्यादा नहीं ले सकता है डेवलपर। अच्छा। पहले तो आप 90% देते थे, आपके प्रोजेक्ट का कुछ नहीं होता था, एग्रीमेंट फॉर सेल आप कर लेते थे, तो अब एग्रीमेंट फॉर सेल के लिए आपको 10% से ज्यादा वो आपसे चार्ज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये बात आई है, 10% का स्लैब आपके पास है। तो ये चीज़। और अगर टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें कि प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर्ड हो गई है, उसके बाद उसे रीसेल करना है, तो उस स्थिति में रेरा में क्या कहा गया है? देखिए, अगर टाइटल में कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसमें कंज्यूमर के हक में ये बात है कि कभी भी वो डिस्कवर करता है ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, तो देयर इज नो लॉ ऑफ लिमिटेशन फॉर दैट। लॉ ऑफ लिमिटेशन का मतलब ये है कि कभी भी उसकी कोई म्याद, कोई समय सीमा नहीं है कि कब वो उसको पता चला कि टाइटल डीड में डिस्प्यूट है, तो कभी भी इस बात को वो चैलेंज कर सकता है रेरा के सामने। और रेरा में इस बात का प्रावधान है, अगर किसी भी डेवलपर ने टर्म्स एंड कंडीशन का कहीं फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस है, अनफेयर प्रैक्टिस है, कहीं कोई उसने मिस रिप्रेजेंटेशन दिया है, या टाइटल डिस्प्यूट के बारे में बड़ी कोई बात क्लियर नहीं की है, तो वहां पे रेवोकेशन का प्रावधान है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। एक बार अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो उसकी फोटो
डेवलपर की और उसकी कंपनी का नाम वेब पोर्टल पे डाल दिया जाएगा, जिससे कि वो अदर स्टेट्स में भी जा करके कहीं और रजिस्टर ना कर पाए। अदर स्टेट्स में, यूटीज़ में, यूनियन टेरिटरीज़ में उस बात की इंफॉर्मेशन दी जाएगी इस रेरा से कि भाई ये इस तरीके का यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है और हमने जो उसका रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया है। जी जी, अगर हमें शिकायत दर्ज करनी हो, आपने कहा कि वेबसाइट पर आप जाकर दर्ज कर सकते हैं, लेकिन पूरा प्रोसेस क्या है? सिर्फ वेबसाइट पे दर्ज करने से बात बन जाएगी कि उसके आगे हमें पर्सनली विजिट करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है पूरा? देखिए, इनिशिएशन का जहाँ तक सवाल है, शुरुआत करने का आप ऑनलाइन डाल सकते हैं, लेकिन जब आपको एक कंपनसेशन चाहिए या अपनी बात रखनी है या अपना रिप्रेजेंटेशन देना है या अपने आप को रिप्रेजेंट करना है तो आपको पर्सनली तो वहाँ जाना होगा। देखिए, ये 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 एक रेगुलेशन है, स्ट्रैंगुलेशन नहीं है। नहीं, आपने सही बात है कि आप इसका यहाँ पे इसमें किसी का गला नहीं दबा रहे हैं, पर फाइनली चलते चलते कंज्यूमर जब कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है, चाहे वो अंडर डेवलप्ड है या रेडी टू मूव इन है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है, एक कंज्यूमर को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो कंज्यूमर को ये देखना चाहिए, जब अब ये नया कानून आया तो इस बात का फायदा कंज्यूमर को, होम बायर्स को मिलना चाहिए कि ये पर्टिकुलर डेवलपर जिसमें मैं पैसा अपना अपनी हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, क्या ये रेरा में रजिस्टर्ड है? नहीं, बहुत सिंपल है, रेरा ने इतना सिंपल कर दिया, इतनी तमाम सारी कंडीशंस हैं डेवलपर के लिए, यानी कि वो जाकर चेक कर ले, क्लेम तो किया जा रहा है, पर राइट टू इन्फॉर्मेशन का प्रावधान है, वो एक चीज देख सकता है। एंड नॉट ओनली दैट, कि मेरे जिसमें प्रोजेक्ट में मैंने पैसा लगाया है उसकी स्टेज क्या है, कितनी कंस्ट्रक्शन हो गई है, मैं कॉन्ट्रेक्टर से जाकर के मिल सकता हूँ अगर मैं होम बायर हूँ, मैं इंजीनियर से बात कर सकता हूँ, आर्किटेक्ट से बात कर सकता हूँ, तो ये तमाम सारी बातें हैं। जी, थैंक यू शिव कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हम काफ़ी चीज़ें हम खोलकर बातचीत कर पाए, काफ़ी चीज़ें हमने दोहराई भी ताकि हमारे देखने वालों को समझ में आया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अब समय हो गया है हमारे जाने का, लेकिन हमारा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हम जल्द ही हाजिर होंगे। बिल्कुल हाजिर होंगे, पर उससे पहले भारत रंग महोत्सव है हमारे पास, थिएटर, रंगमंच एक ऐसी दुनिया है जो कि मंच पर जीवंत खेली जाती है, जिंदगी के कितने रंग कलाकार दिखाते हैं, और दिल्ली में इन दिनों 21 फरवरी तक भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर न केवल हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों शहरों से बल्कि विदेशों से भी कई प्रोडक्शन कंपनीज, थिएटर रेपर्टरीज आई हैं, कलाकार आए हैं, अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं, वहीं पर सेमिनार्स हैं, डिस्कशंस हैं, कितना कुछ है आपके लिए, तो हमने सोचा हम आपके लिए कुछ झलकियां कैमरे में कैद करके ले आए, दिखाते हैं आपको भारत रंग महोत्सव पर एयरपोर्ट। भारत रंग महोत्सव नाटकों का एक फेस्टिवल है, एक समारोह है, और इस वक्त ये सिर्फ भारतवर्ष का ही नहीं, एशिया का लगभग सबसे बड़ा ड्रामा फेस्टिवल है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने सन 1999 में की थी, और ये इस फेस्टिवल का 20वां समारोह है। इसकी शुरुआत बहुत ही विनम्र तरीके से, छोटे तरीके से हुई थी, लेकिन आज इसका बहुत एक भव्य रूप हो गया है, जिसमें इस साल करीब 112 नाटक होंगे, 15 विदेशी प्रस्तुतियां होंगी, और दिल्ली के अलावा ये 5 और शहरों में होगा, डिब्रूगढ़, वाराणसी, रांची, राजकोट और मैसूर में, और इसमें जो है करीब 112 नाटक होंगे, जिसका कि आनंद लाखों दर्शक इन 6 शहरों में लेंगे। हम लोग का थिएटर का इंटेंशन ये है कि आपकी तरह भी जो सत्य है वो लोगों तक पहुँचाना, हम लोग देखे कि ये माध्यम जो है उसे और तगड़ा बनाना है। आई अंडरस्टैंड कि तुम लोग कॉम्पिटिशन करते हो, सब करते हो, लेकिन इसका जो मेन इंटेंशन है वो मत भूलिए कभी। आप सभी का 20वें भारत रंग महोत्सव में स्वागत है, अभिनंदन है। कई सारे इवेंट हो रहे हैं यहाँ, मास्टर क्लासेस हो रहे हैं, यूथ फोरम के अंतर्गत युवाएं जो दिल्ली विश्वविद्यालय के युवा है वो आ रहे हैं और हर दिन अलग अलग इशू पे अपनी बातें रख रहे हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से अपनी बातें जो वो जनता तक कहना चाहते हैं, जनता तक, दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो पहुंचा रहे हैं, वो अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। Thank you.
रंगमंच, नाट्य कला, नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखी है, उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि आपका चाहे डांस हो, म्यूजिक हो, कोई भी कला हो, दुनिया की ऐसी कोई भी कला नहीं है जो कि रंगमंच में ना हो। नाट्य सबका समावेश है। थिएटर के माध्यम से हम अपनी आत्मा को सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, हम सच्चाई को दिखाते हैं। थिएटर इज द बिगेस्ट मीडियम टू शो योर ओन इमोशंस टू एवरीवन। दिस इज व्हाट थिएटर इज। ऊपर मंच के ऊपर कलाकार एक प्रस्तुति सवा घंटे डेढ़ घंटे में दे देते हैं, पर उसकी तैयारी के लिए महीनों की मेहनत जाती है। कितना एक आर्टिस्ट अपने आप को उस भाव में जीता है, डुबा देता है, आप कभी उस आर्टिस्ट को पूछिए, जितना वो सहज नजर आ रहा है मंच पे, इसका मतलब उसके पीछे उतनी ही मेहनत गई है। हमने भी आज थोड़ी सी मेहनत की आप तक जिंदगी के अलग अलग रंग पहुँचाने की, चाहे वो कथक हो, चाहे वो संगीत हो या फिर रंगमंच, अलग अलग पहलुओं को आपके लिए समेट कर लेकर आए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये पेशकश, हमारी आज की ये कोशिश पसंद आई होगी।
अगली मुलाकात बहुत ही जल्द होगी। तब तक के लिए मैं और मैं भावना कहते हैं आपको नमस्कार।